देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। खान साहब ने GIT का मुतालबा कर दिया। ऑडियो टेप्स के लीक होने के मामले पे खान साहब ने यकीन तौर पे बरहमी का इजहार भी किया और इस बात का इशारा भी दिया कि अगर मौजूदा वजीर आजम या किसी भी वजीर आजम की ऑडियो टेप्स अगर वजीर आजम हाउस से लीक हो जाती हैं तो ये एक संगीन अमल है, इससे मुल्क की सालमियत को भी खतरा है और मुल्क में जो वसी तर मफाद में जो फैसले किए जाते हैं उनकी खबर अगर मुल्क से बाहर चली जाती है या वो खबर लीक हो जाती है तो उसके हवाले से बड़े सारे मामलात हैं जिनको देखना होगा, इदारों को जिम्मेदारी दिखानी होगी और यहाँ पे ये मामला रुकता हुआ नजर नहीं आता। जहां खान साहब ने अदालतों का रुख करने का इशारा दे दिया, इंदिया दे दिया, तो वहीं पे मौजूदा हुकूमत आज भी टाल मटोल से काम ले रही है। मौजूदा हुकूमत की जानिब से अभी तक वो कोई ऐसा अमली इकदाम नजर नहीं आया, हालांकि वादे किए गए, बातें की गई, कुछ ना कुछ हल्की फुल्की मौसीकी भी छेड़ी गई, लेकिन मुकम्मल राग आज भी ना गाया गया। मौजूदा हुकूमत और खान साहब देखा जाए तो इस मामले के दोनों ही बराबर के विक्टिम नजर आते हैं। कभी ऐसा महसूस होता है कि ये तमाम तर ऑडियो टेप्स मौजूदा गवर्नमेंट को टॉपल करने के लिए लीक की जा रही है, तो दूसरी जानिब से ये ऐसा महसूस कराया जाता है कि खान साहब की किरदार कुशी भी इन ऑडियो टेप्स का एक अहम मकसद हो सकता है। जहांगीर साहब, अदालतों का रुख करने का खान साहब ने फैसला कर लिया और GIT का मुतालबा कर दिया, ये एक ऐसा पॉइंट है जो कि मुश्तरका है पूरी PDM का और खान साहब का भी, मतलब अब ये कहा जाए कि PDM की जमातें और खान साहब बशमूल इस तमाम तर मामलात में मुकम्मल तौर पे एक पेज पे हैं और उनको अब अदालतों की जरूरत है, GIT की जरूरत है और इंक्वायरी की जरूरत है। हुकूमत अभी तक प्रोएक्टिवली क्यों काम नहीं कर पा रही, हुकूमत क्यों अभी तक बस वादे किए जा रही है, क्यों हुकूमत की तरफ से एक्टिव नजर नहीं आता? देखिए, आप हुकूमत के भी कुछ जाहिर सियासी मफादात होते हैं और वो हुकूमत ये चाहती है कि GIT बनेगी तो GIT में हसास इदारे भी होते हैं, IB भी होते हैं, ISI भी होते हैं, ये भी होते हैं, इनके भी नुमाइंदे बैठेंगे और दूसरे इदारों के भी नुमाइंदे बैठेंगे और ये कि डर ये है कि ये किसी चीज़ को ना मानना, बल नतीजा जो हमने ये देखा है कि कुछ भी हो जाए GIT कोर्ट के फैसलों को बता रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के फैसलों को जो है इतना ललकारा जा रहा है तो हर चीज़ में जलजला लेके आ गए हैं। तो अगर ये GIT को जो है ये अंडू कर देते हैं, वो कहते हैं नहीं तो गलत है, ये तो किसी ने साथ दिया है, ये तो उनका इधर झुकाव है उधर झुकाव, नया क्योस पैदा कर देते हैं तो क्या होगा? ये सब दिखाने की बातें हैं, उनको भी मालूम है कि ये GIT बनेगी नहीं, अगर बनेगी तो एक ख़ास अंदाज में देखेगी जिसको ग्रे एरिया में डाला जा सकता है। अभी फैसला कौन सूरत हाल ये कोर्ट की बात कर रहे हैं, अभी इनके एक मुफाद में आ जाता है तो वो कोर्ट ऐड भी करता हूँ। एक पहलू ये भी निकल के आ रहा है कि अगर इन ऑडियो टेप्स का इस GIT में कह दिया गया कि फॉरेंसिक होना चाहिए और फॉरेंसिक हो गया और साबित हो गया कि ऑडियो टेप्स सही हैं या इनमें से कुछ ऑडियो टेप्स मुकम्मल तौर पे सही हैं, तो फिर आपको लगता है कि कहीं मौजूदा हुकूमत या खान साहब मुश्किल में आ सकते हैं? देखिए, बात तो ये है कि वो कहते हैं कि ये लिए उन्होंने एक जलसे में नवाज शरीफ की जो है वो चलाई exactly, और उसमें दिखाया, देखिए वो अल्फाज बीच से निकाल दिए तो ऐसा लग रहा है कि जो नवाज शरीफ अपने ही खिलाफ बयान आते हैं। बल्कि इंटरेस्टिंगली कल एक और ऑडियो टेप मंजरे आम पे आई और मैं तो उसको देख के खुद परेशान हो गया, उसमें राणा सनाउल्लाह साहब की ऑडियो टेप थी और वो अपनी ही जमात को बुरा भला कह रहे थे, तो बड़ी सफाई के साथ कि सर सफाई हो या जो है ना ये गलत चीज है, वैसे दो चीज है ये सफाई के साथ वारदात की लेकिन गलत। आप भी बताएं इस क्योस से, इस इंतशार से, इस झगड़े से कि एतबार किसका जाता है, मुल्क का एतबार जी बिल्कुल। और ये जो है साइफर की बात करते हैं, साइफर तरीकेकार है ममालिक के दरमियान बात करने का, उसमें जो सख्त अल्फाज भी आते हैं नहीं भी आते हैं। अब आप साइफर ही लोग ये कहेंगे यार ये साइफर को तो जो है डिकोड करने से ज़्यादा जो है उसे खेलते हैं, तो उसको फ़ायदा उठाने से ज़्यादा हमारी कोई गाइडेंस को या अनडू करें कोई ये डू करें, उसके अलावा ये तो खेलने लगते हैं अपना मैच बना ये बड़ा है, बड़ा ही है क्या होगा, क्या होगा सर आप लेकिन सर अगर इदारे वक्त पे काम कर लें तो शायद इन तमाम तर मामला से खेलने की जरूरत ना पड़े। भाई कहते हैं ना बच्चों की लड़ाई में बड़े लड़ पड़े, ये बड़े लड़के पढ़ रहे हैं, सियासी जमातें लड़ रही हैं, मुल्क की लड़ाई बन गई है, उसकी बका और उसकी सलामती का मसला बन गया है,
और सबको मालूम है सब आज़ादी से। अब ये तो उधर से एक पत्ता फेंका जाता है तो उसका नेले पे देला। ये वैसे आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, नेले पे देले का आपने कहा। विकीलीक्स जब आ रही थी तो हर रोज जब कुछ मामलात लीक होते थे, डॉक्यूमेंट्स लीक होते थे, लोग संजीदगी से उसको फॉलो करते थे। उसके ऊपर अदालतों में हमने देखा कि केसेस भी चले, मुकदमात भी बने, अदालतों में उसकी ऊपर सुनवाई भी हुई। लेकिन अब जो ऑडियो टेप्स आ रही हैं, कहीं ना कहीं लोग उसको एंटरटेनमेंट की हद तक ले रहे हैं कि आज एक नई ऑडियो टेप आई, एक नया टॉपिक है, इसको डिस्कस कर लिया और फिर हाथ झाड़ लिए और फिर भुला दिया, फिर अगले दिन एक और ऑडियो टेप आ जाती। विकीलीक्स के पीछे जो कंसोर्टियम था उसमें आलमी पैमाने के जाने माने इंटेग्रिटी थी कहीं, हाँ, और वो जो उसमें साफी भी थे और जो है जिसको इन्वेस्टिगेटिव जो है ना रिपोर्टिंग करने वाले जर्नलिस्ट होते हैं या जो है एजेंसीज होते हैं वो थे, उसकी दुनिया भर में क्रेडिबिलिटी भी, इसके असरात आए। और हमारे यहाँ तो इतनी टूट फूट हुई है, हमारे यहाँ तो हुकूमत ही चली गई और हुकूमत ही बन गई, ऐसी सूरत हाल है। तो ये देखते हैं कि जो चीज़ जहाँ आगाज़ हुआ है उसकी क्रेडिबिलिटी दुनिया में क्या है, उसको क्या माना जाता है। यहाँ तो कोई किसी का इतना किसी को चलते हुए आप यकीन नहीं कर सकते कि ये लीक हो रही है ये बात, तो इसमें कितना तमाशा है यार, कितने और कौन कौन से इल्ज़ाम है। वो कह रहे हैं कि मेरी बेटी वो आई और जो है मैं बीवी का जनाजा भी नहीं देखा, उसके मुकाबले में क्या करें जनाब इमरान खान, उस सानहे जो भी था सानहे के मुकाबले एक बात ला रहे हैं कि मेरे घर पर हमला किया गया। क्या घर पर हमला किया कि उनके घर वालों पे इल्जाम लगाया गया। वो तो ठीक है, ना जब ये सास बहू जो मोहल्ले में जो होती ना औरतें लड़ाकू होती हैं, वो ऐसी एक है वो निकाले ना तो दूसरे अजीब निकालेंगे। तमाशा है यार, कब संजीदा हो गए ये फिर। अब अगर पैगाम आता है मेरे हम वतनों, तब जो है इनकी आवाज़ें बंद हो जाती है, एक ही दफा होता है। इसलिए तुम लोग तो गंदे खुद अपने हाथों से हो रहे हो यार। जाकिर साहब मुझे लग बताया ना गवर्नमेंट तो खुद जो है वो ठीक सत्ता ठीक कर। जाकिर साहब तो गवर्नमेंट क्यों नहीं इंक्वायरी करती एक बार वंस फॉर ऑल, इस मामले को क्यों ताला नहीं लगा देती, ताला लगा के चाबी समंदर की गहराइयों में उतार दे। सर जी सर क्यों नहीं कर रही है, ताला लगाए बगैर भी समंदर की गहराइयों में डाल सकते हैं, क्योंकि हमारा माहौल यही है कि किसी का प्रेशर आ जाए। यह गवर्नमेंट इस बात से बड़ी रिलक्टेंट है, गवर्नमेंट समझती है कि कुछ भी हो जाए हमें ग्रीन सिग्नल मिला हुआ है और जब तक ये ग्रीन सिग्नल हमारे पास है चाहे वो कोई ऑडियो लीक आ जाए कोई वीडियो लीक आ जाए हम महफूज हैं, हमें कोई कुछ नहीं कह सकता। ये बात है, कॉन्फिडेंट है ना गवर्नमेंट। एमओकों की जन्नत में ये रहते हैं, इनको ये नहीं मालूम कि ये जिनको ये लेके आए आर्मी चीफ बनाया उन्होंने तख्ता दिखा दिया। वे भाई इनकी हुकूमत कौन सी, इनकी हुकूमत भी इतनी नाजुक शाख नाजुक पर है जितनी उनकी है, और किसके ऊपर जिस शाख पे बैठे हैं उसी को काटने के चक्कर में। भाई जमहूरियत ख़त्म हो गई तो तुम्हारा ठिकाना हो गया, 10-12 साल से पहले तो तुम्हारा वजूद नज़र नहीं आता और तुम उनकी मुशावरती उसमें शामिल हो रहे होते हैं और तुम ऐवान और चल रहे होते हो। कहाँ जा रहे हो यार, कहाँ जा रहे हैं। फिलहाल तो वक्त जा रहा है और प्रोग्राम का वक्त क्योंकि अब मुकम्मल हो चुका है। और यकीन तौर पर अहम मामला है कि पाकिस्तान में अगर वजीर आजम हाउस से या अहम इमारात से अहम अहदों से अगर इस तरह के मामला लीक होते हैं तो लीक करने का मकसद अवाम को इंटरटेनमेंट पहुँचाना नहीं होना चाहिए था। दरअसल इसका मकसद होना चाहिए कि पाकिस्तान में अगर वैसे तो लीक होनी नहीं चाहिए लेकिन अगर हुई है और अगर कोई इसको लीक कर रहा है और पाकिस्तान का इतना ही बड़ा खैर ख्वाह है तो वो पाकिस्तान के अहमदारों को जो कि काबिल हैं जो कि समझते हैं कि पाकिस्तान में क्या सही है क्या गलत है पाकिस्तान की बेहतरी का फैसला भी कर सकते हैं और आवाम को उनके ऊपर पूरा एतवाद है तो फिर उनकी तरफ ये क्यों नहीं जाता। यकीन तौर पे ये मामलात अहम हैं, इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और मुश्तरका तौर पर होनी चाहिए और हुकूमत को प्रोएक्टिव होना चाहिए क्योंकि ये मामलात हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज है कि जो हुकूमत अपने घर के मामलात को नहीं संभाल सकती, अपने वजीर आजम हाउस को सिक्योर नहीं कर सकती, वो आखिर आवाम की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को कैसे नहीं बनाएगी। हुकूमत के लिए कड़ा वक्त। जाकिर साहब आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।
देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन।